उत्तर प्रदेश के मथुरा में गांव के लोगों द्वारा पुलिस पर हमला करने का मामला सामने आया है। दरअसल देर रात झगड़े की सूचना मिलने पर पीआरवी की पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस को देख गांव के ही रहने वाले आधा दर्जन से अधिक हमलावरों ने पुलिस पर हमला कर दिया, जिसमें हेड कांस्टेबल दिनेश चंद्र की वर्दी फाड़ दी और घायल कर दिया। इतना ही नहीं, हमलावरों ने पुलिस की पिस्टल भी छीन ली, जिसके बाद पीआरवी पुलिस ने कोतवाली पुलिस को घटना की सूचना दी। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने मौके से तीन हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस की पिस्टल बरामद कर ली। हालांकि इसके बाद घायल पुलिस कर्मियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां घायलों का इलाज किया जा रहा है। सर बताइए, वृंदावन कोतवाली क्षेत्र में पुलिस टीम पर हमला हुआ, क्या मामला है? आज रात्रि में लगभग 10:15 बजे थाना वृंदावन क्षेत्र अंतर्गत गाँव सकराया में एक झगड़े की सूचना पर पीआरवी पहुंची। वहां पे कुछ लोगों ने पीआरवी कर्मियों से विवाद कर लिया और उनके साथ मारपीट की तथा उनकी पिस्टल छीन ली। इस सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और पुलिस ने तत्परतापूर्वक कार्रवाई करते हुए पिस्टल की बरामदगी कर ली है और तीन लोगों को इसमें अब तक गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस ने लोगों को गिरफ्तार किया है और कई लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मथुरा से मदन सारस्वत की रिपोर्ट।